एवरीवन, वेलकम टू ननस्टार एकेडमी। तो फाइनली जिस घड़ी का हमको इंतजार था वो टाइम आ चुका है। एनटीए ने फाइनली जो अपना प्रोविजनल आंसर किया है वो रिलीज कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोविजनल आंसर की होता क्या है। देखिए, ये फाइनल आंसर की से जस्ट पहले ये रिलीज होती है। इसके अंदर क्या है कि आपको जो भी एग्जाम था, आपका जिस शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स एंड एनटीए की तरफ से आपको जो एनटीए का जो मतलब एक आंसर तो वो है जो आप लोगों ने लगाया और एक आंसर वो है जो एनटीए वहाँ से भेजता है कि ये इसका राइट ऑप्शन था। तो अब दोनों को आपको मैच करना होता है कि क्या जो आपने आंसर लगाया था क्या वो उससे मैच कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही किया था और एनटीए की तरफ से जो आंसर दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यहाँ पर आप उसको चैलेंज कर सकते हो विद इन टू डेज 19 to 21 अप्रैल के अंदर। आप 5 PM से पहले आप उसको चैलेंज कर सकते हो और उसका कुछ चार्जेस वगैरह भी होता है, वो भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। देखिए, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियली। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्ड रेस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो पूरा प्रोस्पेक्टर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन उसका जो टाइमिंग रखा गया है यहाँ पे वो क्या है, टाइमिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होगी 19 अप्रैल to 21 अप्रैल। ठीक है, इसके अंदर आप इसको चैलेंज कर सकते हो और इसके लिए उन्होंने कुछ चार्जेस भी रखे हुए हैं। देखिए, यदि हु आर, देखिए इसमें क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर की मे चैलेंज द सेम बाई पेइंग ए फी ऑफ ₹200। यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको ₹200 पे करना होगा और जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, ये आपको रिफंड नहीं होगा। यदि आप इसमें चैलेंज करना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन आप श्योर होना चाहिए कि जो आपने आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और हो सके तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको एक बार देख लूँगा क्या उसमें एक्चुअल में ही वो क्वेश्चन आपने जो किया वो सही है या फिर एनटीए वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो आप क्यों अपने ₹200 गाओ, इससे अच्छा है कि एक बार आप मुझे बता देना। तो फाइनली चलते हैं कि इस चीज़ को हमें देखना कैसे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मतलब जो मैंने लिंक दी हुई है उसके थ्रू आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालोगे उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। देखिए, एक तो व्यू क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हो विद जो आपने आंसर लगाए, एंड सेकेंड है व्यू चैलेंज आंसर की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखिए बीटेक का, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो भी जिस शिफ्ट का था, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाली, ये सारी यहाँ पे डिटेल आपको शो हो जाएंगी और इस डिटेल के अनुसार आपका जो डेटा है वो यहाँ से उठा लिया जाएगा और जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे इस जो भी जिसका भी ये पेपर मैंने खोला हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने ये ऑप्शन चूज नहीं किया है, ये इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये नो ऑप्शन, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या है कि चूज ऑप्शन नंबर 2, ये 2 ऑप्शन चूज किया है इन्होंने, इसका मतलब ऑप्शन 2 ये है और इसकी एक आईडी यहाँ पे आपको मेंशन होगी। देखिए, यहाँ पे एक आईडी मेंशन है जो कि क्या है 3663669422616। ठीक है, ये आंसर सही है। अब मैं लेके चलूँगा आपको जो वहाँ से आपको एक आंसर की मिलेगी। ठीक है, उस आंसर की में इनके आंसर्स दिए हुए होंगे, वहाँ पे बेसिकली आईडी नंबर दिया हुआ होता है। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन टाइप होगा एमसीक्यू, ये क्वेश्चन आईडी होगी सबसे ऊपर। अब इस क्वेश्चन आईडी से आपको आंसर मैच करना होगा ये वाला कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। यदि आपको फिर भी लगता है कि आपका आंसर सही था और एनटी की तरफ से जो आंसर आया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर से उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो डाउनलोड करना। अभी यहाँ से तो आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, इस तरीके से सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी यहाँ पे दिख जाएंगे आपको और जो आपने आंसर्स लगाए हैं वो नीचे आपको मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्लिक हियर टू व्यू चैलेंज आंसर की। जैसे आप उस पेज पे वापस आओगे ये आपके आंसर की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। इसके अंदर देखिए, जैसे कि ये देखो बीटेक मैथमेटिक्स सेक्शन ए का क्वेश्चन आईडी ये है। अब वहाँ से आप अपनी क्वेश्चन आईडी मैच कराओगे, क्वेश्चन आईडी जैसे ही आपकी ये मैच होगी उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसका देखो ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है 3669422604।
ये क्वेश्चन आईडी है। अब इसका जो आंसर है, देखिए ये ऑप्शन दिए गए थे, ये ऑप्शन जो कि वहाँ पे भी मेंशन थे, अब इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, और जो वो ऑप्शन सही है वो इन्होंने एनटीए ने बता दिया कि करेक्ट ऑप्शन ये है आपका इस क्वेश्चन आईडी का। तो अब आप इसमें से ये ऑप्शन ढूंढ सकते हो कि ये ऑप्शन कहाँ पर है। अब देखिए लास्ट में फोर है जो, ये वाला क्वेश्चन ये है देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हो, और यदि आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप, और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे भी मैं हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप उस पर जाके जुड़िए, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपके मार्क्स वगैरह सब आपने कैलकुलेट कर लिए हो तो वो भी मुझे बताएं कमेंट में कि आपकी परसेंटाइल इतनी बन रही है, फिर इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेस पर हम आपको बता रहे होंगे और हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ द डे हम आपके कॉलेज में भी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे, और उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी आ रही है, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज़ हम आपके सामने रख रहे होंगे। इवन जिन लोगों को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको हम काउंसलिंग करा के भी देंगे, ठीक है, पूरी मेहनत करेंगे, पूरा एफर्ट डालेंगे, जितना हो सकता है उतना। इवन आपकी 50% भी है ना, तब भी हम आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे जो आप अफोर्ड करते हो, उससे कहीं ना कहीं अच्छा, ठीक है, आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है, चाहे आपने 50% ही क्यों ना लेके आए हो। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई तो क्या, आप लोगों ने एग्ज़ाम तो दे ही दिया, एडवांस वाले पढ़ाई करते रहें, और बाकी जो जेई मेंस अब एडवांस नहीं दे सकते ड्रॉपर, वो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, और मिलते हैं किसी से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।